हेलो दोस्तों, मैं आर्यन अरोरा आपका स्वागत करता हूं ए टू फैमिली पे। तो आज हम ऐसी रोडों के बारे में बात करने वाले हैं जो दो राज्यों को मिलाता है, झारखंड और बिहार को मिलाने का काम करता है। तो जो रोड का मैं बात करने वाला हूं वो 200 फीट लंबा, 200 फीट चौड़ा है, और उसकी जो आप चौड़ाई देखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम वहाँ पे बिना देर किए हुए हम चलते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आ चुका हूँ और जैसे कि देख सकते हैं आप मेरे पीछे गाड़ी, तो यही जो है जो 200 फीट इसका चौड़ैया है जो कि ये बगल में ही है, और जो इसका जो चौड़ैया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोस्तों देखिए, ये पटना, सीधे पटना से गया, गया से ये झारखंड करने वाला है ये रोड। तो ये रोड अगर बोला जाए तो काफ़ी लंबी होगी, अगर इसका बात की जाए तो काफ़ी लंबी होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी काम बहुत ज़ोर तोर से चल रहा है, और इसका एक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि जो भी इसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी इसका जो डीलर कर रहे हैं, वो 100-100 किलोमीटर का दायरे में कर रहे हैं। अगर 100 मीटर पर कोई दूसरा ठेकेदार है तो 200 किलोमीटर पर कोई दूसरा होगा। तो ये चीज़ हमको देखने में काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप एक बार, मैं पूरा तरह से आपको अच्छा से व्यूज दिखा देता हूँ तो फिर बात होगी। देखिए, ये जो रोड है इसका आप लंबैया की, मतलब चौड़ैया की जो बात है वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कितनी होगी। और ऐसा अभी 100 फीट का इसका तैयारी चल रहा है, लेकिन इसका जो नापी रियल में है वो 200 फीट है। तो इसका जो तैयारी अभी चल रहा है तो अभी बहुत ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है इसमें, जैसा कि अभी देख रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड का दिखा देते हैं, तो बहुत ज़ोर शोर से इसका काम लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़ोर शोर से इसमें काम लगा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मिट्टी को टारने का काम करता है ये मशीन, वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यह रोलर है जो मिट्टी दाबने का काम करती है, और ये रोड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो भूमिका निभाती है। तो जैसा कि हमने ये रोड के बारे में बात की कि ये कब तक क्लियर हो जाएगा बन के,
तो इसके बारे में हम कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बोला कि ये अभी 2 साल का वक्त और लगेगा तब तक जब तक इस पर गाड़ी न दौड़ने लगा। 2 साल के बाद इस पर उद्घाटन किया जाएगा इसका, और तो काफ़ी जल्दी इसका उद्घाटन होने भी वाला है क्योंकि ये साल भर से काम जारी है लगातार। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं गाड़ी जो मिट्टी टारने का काम करती है, तो वीडियो पर पहली बार आए हो तो एक लाइक कर तो दीजिएगा। एक अधिकारी सामने बैठा है, तो चलिए हम उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये जो दूरबीन है जो मिलाया जाता है लोकेशन, तो उसी के ये दूरबीन से ही काम होता है आगे। तो चलिए वीडियो को पूरा अच्छा तरह से आप लोग समझ। जैसा कि आपने देखा अभी जो बिहार का जो नज़ारा था, जो बिहार का जो सबसे लंबा रोड बनने वाला है वो यही था। तो अगर आप इसको पर और वीडियो चाहते हैं, अगर इस पर और वीडियो आप चाहते हैं तो हमें एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर इसको हम पार्ट 2 लाने की कोशिश करेंगे ऐसे, लेकिन अगर आपको क्या विचार बुझाता है इस वीडियो पे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए मेरा जो नया चैनल है, ये हमने नया चैनल बनाया है, इसीलिए ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं बना सका क्योंकि नए चैनल पे ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से चैनल मतलब उतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आप जहाँ तक हो सकता है मेरा कोशिश कीजिए, मेरा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहें तो आपसे हम लाइक और सब्सक्राइब छुपा भी सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपसे हमको फैमिली वाला रूप चाहिए। हम आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, और अगर हम सब्सक्राइबर्स और लाइक छुपाते तो आप हमको विश्वास नहीं करते। तो इसके लिए हमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं छुपाए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, और जल्द ही मैं वीडियो लेके आऊँगा।